इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुजरात के सूरत से, जहां तक्षशिला कॉम्प्लेक्स की चौथी मंजिल पर भीषण आग लग गई है। आग में फंसकर अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें ज्यादातर छात्र हैं। आग इतनी तेजी से फैली कि वहां मौजूद लोगों ने जान बचाने के लिए इमारत से छलांग लगा दी है। जानकारी के मुताबिक इस कॉम्प्लेक्स में कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था। आग से वहां पढ़ने वाले बच्चे इसकी चपेट में आ गए, जिसमें 15 बच्चों की मौत हो गई है। फिलहाल आग को बुझाने का काम जारी है। दमकल की 18 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। अभी भी कुछ लोगों के बिल्डिंग में फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सूरत की तस्वीर है, जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है और कोचिंग सेंटर वहां पर चल रहा था और ये बड़ा हादसा अब से कुछ ही देर पहले वहां पर हुआ है। ये आप बेहद दिल दहला देने वाली ये तस्वीर है और ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं, आपको विचलित कर सकती हैं। हम आपको आगाह भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग बिल्डिंग से कूदकर जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बेहद दर्दनाक, दिल दहला देने वाली, आपको विचलित करने वाली ये तस्वीर है और बेहद ये तस्वीर अपने आप में बेहद दर्दनाक है। वहाँ पर कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था और इस पर और अपडेट के साथ हमारे संवाददाता केतन जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केतन, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है सूरत में, क्या कुछ जानकारी आपके पास और है और क्या कुछ मुआवजे की बातचीत चल रही है? देखिए, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है सूरत में और ये सरथाना नाम का इलाका है जो काफी मशहूर है और तक्षशिला आर्केड नाम की कॉमर्शियल बिल्डिंग, जिसके टॉप फ्लोर पर इलीगल तरीके से ट्यूशन क्लासेस चल रहे थे और खुद जो कुमार कानाणी जो गुजरात के मंत्री है और सूरत के विधायक है, उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स का बार बार यहां पर उल्लंघन होता जा रहा है। नवंबर 2018 में भी ऐसी घटना हुई थी जिसमें एक छात्र की आग लगने से मौत हो गई थी और आज आंकड़ा बढ़कर मृत्युंजय 19 का हो गया है। तो बार बार प्रशासन सिर्फ कागजी कार्रवाई करता है और इस तरह की घटनाएं होती है। आनंद फानन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर दुख प्रकट किया है और गुजरात का समूचा प्रशासन है वो काम पर लग गया है और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मृतक के परिवारजनों को 4-4 लाख की सहाय की घोषणा की है और जो घायल हुए हैं उसको भी पूरा का पूरा इलाज का खर्च उठाने की भी तैयारी रखी गई है। हम जी बिजनेस के दर्शकों को बता दें कि इस ट्यूशन क्लासेस में 40 लोग टीचर समेत वहां पर मौजूद थे और अचानक आग लगने से, अब ये पूरा अवैध कंस्ट्रक्शन था तो जो वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब कि आग लगने से जो धुआं है वो बाहर निकलना चाहिए, वो नहीं निकल पाया और दम घुटने से पहले वो मूर्छित हो गए और बाद में आग का शिकार हो गए। तो कितनी दिल दहलाने वाली ये घटना है और ये पूरा का पूरा जो डोम बनाकर ट्यूशन क्लास चल रहा था और एल्यूमिनियम सेक्शन खड़े करके जो एक नॉर्म्स होते हैं, जो नियम होते हैं, उसका उल्लंघन किया और जो बाहर हवा जानी चाहिए, बाहर की हवा अंदर आनी चाहिए, ये एक बेसिक रूल होता है, उसका भंग करने की वजह से ये जो धुआं है वो बाहर ही नहीं निकल पाया। और अभी तो बताया ये जा रहा है कि कुछ महीने पहले इस बिल्डिंग का भी इंस्पेक्शन हो गया और सर्टिफिकेट भी दिया गया कि ये ओके है। तो आप समझिए कि किस तरह से अंधाधुंध चल रही है सूरत प्रशासन में और ये प्रशासन ने ही इसको अप्रूव कर दिया। अब बिल्डर ने कैसे पैसे देकर अप्रूव करवाया, इस तरह के आरोप भी खुद वहां के जो विधायक है वो लगा रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 19 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने भी खेद जताया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस पर खेद जताया है और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने तुरंत ही इस पर एक जांच कमेटी की रचना कर दी है जो तुरंत ही इस पर कार्रवाई करेगी और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग है, लीगल है, इलीगल है, किस तरह से ट्यूशन क्लासेस को मंजूरी मिल गई, चाहे वो सरकार का आदमी हो चाहे वो प्राइवेट बंदा हो, उसको नहीं छोड़ेंगे, इस तरह की बात अभी गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कही है। और एक पूरी की पूरी टीम है तत्काल रूप से वहाँ सूरत में आकर बचाव कार्य के क्या हालात है? केतन, बचाव कार्य के क्या हालात है, ताजा हालात?
देखिए अभी तो आग बुझ गई है एक घंटे पहले ही, लेकिन पूरा का पूरा जो एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर था वो पूरा पिघल गया है। तो जितनी भी डेड बॉडी थी वो वहां पर निकाल ली गई है। कुछ टीचर की भी आग में जूझने से मौत हो गई है, लेकिन अभी सारी डेड बॉडी को कुछ प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाया गया है और कुछ को सरकारी अस्पताल में भी भेजा गया है। तो अभी कंट्रोल में है स्थिति, लेकिन पूरा सूरत का माहौल है वो काफी आक्रोशित है कि आखिरकार इसके पीछे जो जिम्मेदार है उस पर तुरंत कड़ी कार्रवाई हो। चलिए शुक्रिया केतन आपका, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो दर्दनाक हादसा सूरत में हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि सूरत में आग की त्रासदी से बड़ी पीड़ा हुई है। मेरी सहानुभूति इस हादसे में प्रभावित हुए लोगों के परिवारों के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने गुजरात सरकार और स्थानीय अधिकारियों से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने को कहा है। तो ये पीएम का ट्वीट आप देख रहे हैं, इस हादसे पर पीएम ने गहरा दुख जताया है।